वाराणसी पहुंची भाजपा नेत्री व फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने आजम खां पर तंज कसा। वाराणसी पहुंची चर्चित फिल्म अभिनेत्री व भाजपा नेत्री जया प्रदा ने आजम खां को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जया प्रदा ने कहा कि महिलाओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए। आजम खां ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जिसकी सजा उनको आज मिल रही है। उनके बुरे दिन चल रहे हैं। जया प्रदा ने कहा कि आजम खान के महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी व अपमान की वजह से आज उनके बुरे वक्त चल रहे हैं। जया प्रदा आज वाराणसी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंची। जया प्रदा के साथ भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद थी। मैम, सबसे पहले काशीनाथ का स्वागत है। वाराणसी में मैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया मैंने कल, और भव्य दर्शन होने के बाद आज वाराणसी में जो आयोजन किया गया उसमें मैं शामिल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे साथ साथ हमारी दीदी रीता बहुगुणा जी भी साथ में आई हैं। और रश्मि रॉय जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि तेजस्विनी संस्था जो ज़रूरतमंद लोगों को उनका हाथ थाम कर उनको सोसाइटी में बल देने के लिए क्वेश्चन करवा देने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। और जो गरीब से गरीब बालिका जो भी शादी होती है उनके लिए उसके सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो ये संस्था उन बच्चों के लिए भी समर्थन करती है। तो आज आत्मनिर्भर भारत के लिए जो मोदी जी ने इस तरह के जो हमारे लिए एक रास्ता दिखाया है, तो मैं महिलाओं को सभी को, जो मीनू जी हो या मीना हो, पूजा जी हो, इस तरह के जो इस संस्था के जितने लोग हैं सारे महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं हम किसी पुरुष से कम नहीं हैं, और वो आगे बढ़ते हुए समाज को बल देने के लिए, मजबूत करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ। मैडम जी, आजम खां के पूरे दिन चल रहे हैं, क्या मानती हैं कि एक औरत की बदुआ उन्हें लग गई है? देखिए, जो भी है, राजनीति हो या इंसान को, दूसरे इंसान को सम्मान करना, खासतौर महिलाओं को सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अभद्र शब्द इस्तेमाल करें या दूसरों को दूषित करें, तो ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो आजम के साथ हो रही है, जो बोते हैं तो उनको काटना भी होता है। पीड़ित रहे हैं, और रामपुर इस बार भी हमारे बीजेपी के सीट में ही जीतेंगे।